हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम एग्जाम डेट एवं एग्जाम सिटी आ गई है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे उसे देखना है और कब ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ जो कि भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर देखिए एक लिंक आया हुआ है आज के डेट में। यहाँ देखिए दिया हुआ है न्यूज़ अपडेट में एक ये एएलपी एवं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो यहाँ देखिए आज के डेट में एक आया है, अभी तुरंत आया है, जो कि इम्पोर्टेंट डेट एंड टाइम फॉर सेकेंड सीबीटी के लिए है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये पीडीएफ डाउनलोड हुआ है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट एंड टाइम फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो इसमें यह दिया हुआ है कि जो भी फर्स्ट एग्ज़ाम्स में सीबीटी वन में अपेयरिंग कैंडिडेट पाए गए हैं उन सभी का एग्ज़ाम्स 20/12, मतलब कि यहाँ सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है 21/1/2019 और 23/1/2019 के बीच में होगा, मतलब 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में एग्जाम्स होगा। ठीक है, और इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या है, यहाँ एग्ज़ाम सिटी एवं एग्ज़ाम डेट का कब से आप देख सकते हैं, तो वो कल यानी कि 9 जनवरी को 11 बजे से आप ये देख सकते हैं कि कब ये आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर है और एग्ज़ाम डेट आपका किस दिन है। ठीक है, और इसके बाद ट्रेवल पास वगैरह एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो ट्रेवल पास है वो भी कल ही आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी वो 4 डे पहले डाउनलोड होगी, जो कि एग्ज़ाम डेट के 4 दिन पहले से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक मॉक टेस्ट के लिए ऑनलाइन लिंक भी रेलवे के तरफ से दिया जाएगा, जो कि ये 12 जनवरी को एक्टिवेट होगा। ठीक है, अगर और देखिए यहाँ पर आज के डेट में यहाँ पर आया हुआ है ये नोटिफिकेशन। और ठीक है, इसके साथ ही ये मेरा वीडियो समाप्त हुआ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।